टाटा ग्रुप 102 बिलियन का दान करने के साथ ही सदी का सबसे बड़ा दानवीर बन चुका है। हैरत की बात यह है कि ये दान अडानी की संपत्ति के लगभग बराबर है। रतन टाटा ने सन 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन बनने के बाद टाटा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और टाटा कंपनी को इंटरनेशनल पहचान दिलाई। इस दौरान टाटा ग्रुप की कुल कमाई में 40 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी और प्रॉफिट 50 गुना से अधिक बढ़ गया। 1991 में केवल 5.7 बिलियन डॉलर बनाने वाली कंपनी ने 2016 में लगभग 103 बिलियन डॉलर कमाए। पिछले 150 सालों से भी ज्यादा वक्त से इंडिया की ग्रोथ में टाटा बैकबोन की तरह काम कर रही है और भारत को सुपर पावर बनाने में टाटा का योगदान सबसे ज्यादा रहा है। आपको इस बात से हैरानी होगी कि इंडिया की जीडीपी में 2.5% टाटा का योगदान है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि टाटा ग्रुप आज इतना बड़ा बन चुका है कि ये किसी भी बड़े देश को भी खरीद सकता है। 100 से ज्यादा कंपनियों को चलाने वाला टाटा आज आपके खाने में डलने वाले नमक से लेकर स्पेस में जाने वाले रॉकेट तक सब कुछ बनाता है। SBI, RBI, SEBI के सर्वेलियंस सिस्टम, रियल टाइम इनकम टैक्स कलेक्शन को अपनी सर्विस देकर टाटा फाइनेंशियल बैकबोन की तरह ही काम कर रही है। TCS के सॉफ्टवेयर और सिस्टम के पीछे हाई स्पीड डेटा पाइप काम करते हैं। ये टाटा कम्युनिकेशंस द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं, जिनका नेटवर्क सिर्फ 180 मिलीसेकंड में सिलिकॉन वैली से सिंगापुर तक डेटा ट्रांसफर कर सकता है। मॉडर्न इंडिया को आगे ले जाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरी है और इसके लिए टाटा देश में स्टेबलाइज सभी पावर प्लांट्स का 120 GW जनरेट करती है। इस बिजली से 500 मिलियन लोगों को फायदा होता है। इन पावर प्लांट्स को बनाने और इनकी फ्यूलिंग करने में स्टील बेहद ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। थर्मल पावर में यूज होने वाले जरूरी इक्विपमेंट से लेकर भाखड़ा और नंगल डैम सोलर पैनल तक में टाटा कंपनी का स्टील यूज होता है। जमशेद जी टाटा के विजन ने कई तरह के भारत का भविष्य देखा था। इसमें स्टील, खेती, उद्योग और बुनियादी ढांचे इम्पोर्टेंट है, जो किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। 1930 के दशक तक टाटा ने इंडिया के स्टील की 100 में से 72% तक डिमांड पूरी की। इसमें डिफेंस एप्लीकेशन से लेकर रेलवे और हावड़ा ब्रिज जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। हावड़ा ब्रिज के लिए 23,000 टन यानी लगभग 85% स्टील जमशेदपुर से आया था। देश के 2/3 मेट्रो रेल फ्लाईओवर और मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक में भी टाटा का ही स्टील है। देश में बनने वाले हर तीसरे टायर में टाटा स्टील का इस्तेमाल होता है। भारत की इकोनॉमी में भी टाटा इम्पोर्टेंट रोल निभा रही है। मजेदार बात यह है कि ये आपके पर्स से शुरू होता है। असल में 2000 का नोट टाटा द्वारा डिजाइन की गई एक फैक्ट्री में छपा है। इतना ही नहीं, यूनाइटेड किंगडम में चलने वाले लगभग सभी 1, 2, 5 और 10 पैसे के सिक्कों में भी टाटा के स्टील से बने हैं। टाटा ग्रुप ने इंडिया की इकोनॉमी को और मजबूत करने के लिए साल 2018-19 में 10,000 करोड़ का टैक्स पे किया था, जो कि टाटा ग्रुप की तरफ से अभी तक पे किया गया सबसे ज्यादा टैक्स है। टाटा भारत की ही नहीं विश्व की इकोनॉमी में भी अपना कंट्रीब्यूशन देती है। टाटा सबसे फाइबर नेटवर्क को भी चलाती है, जो कि दुनिया के लगभग 30% इंटरनेट वेज को ऑपरेट करता है, जो 200 कंट्रीज और टेरिटरीज को जोड़ता है। दुनिया भर में 5 में से 4 मोबाइल इसी से जुड़े हुए हैं। तो जरा सोचिए टाटा इंडिया को किस लेवल पर ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। टाटा पूरे भारत में 13,000 से भी ज्यादा ट्रांसमिशन लाइन्स देता है, जो हाई कैपेसिटी पावर ट्रांसमिशन की बैकबोन का काम कर रही है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटका इसी पावर ट्रांसमिशन बैकबोन से बिजली लेते हैं। ईस्टर्न इंडिया और सेंट्रल इंडिया 800 केवी HVDC लाइन्स पर निर्भर है। कारगिल से लेकर जम्मू एंड कश्मीर तक टाटा रोशनी के साथ साथ भारत की इकोनॉमी को भी चमकाने का काम कर रही है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली रेलवेज और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को चलाने के लिए यही टाटा की बिजली चलाती है। टाटा ने सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर्स और एडवांस्ड एयर डिफेंस मोबाइल लॉन्चर सिस्टम्स के साथ साथ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल टेक्नोलॉजी को डिजाइन और डिवेलप करने में मदद की है। टाटा यही नहीं रुकी, उन्होंने F-16 विमान बनाने के लिए लॉकहीड के साथ साझेदारी की। टाटा द्वारा विकसित टेक्नोलॉजीज ने भी 2 दशकों से अधिक समय से इंडियन आर्म फोर्सेज की जरूरतों को पूरा किया। भारत को जमीन से लेकर ब्रह्मांड तक ले जाने में टाटा कहीं भी पीछे नहीं है। जब भारत ने अपना मंगल मिशन लॉन्च किया तो टाटा ने सिर्फ लॉन्च व्हीकल के निर्माण में योगदान नहीं दिया, बल्कि मंगलयान में डेटा कंट्रोल हार्डवेयर के डिजाइन और निर्माण में भी मदद की। जब इसरो ने अपना सबसे भारी रॉकेट GSKV-MK3 लॉन्च किया तो वो भी टाटा के द्वारा डिजाइन किए गए मोबाइल लॉन्च पेडस्टल से किया गया था। इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए टाटा Formula 1 रेस में एक कनेक्टिविटी प्रोवाइडर का भी रोल प्ले करती है। टाटा ने अबू धाबी में F1 यास मरीना ग्रैंड प्रिक्स सर्किट बनाने में भी मदद की है। टाटा दुनिया भर में यात्रा की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। टाटा द्वारा चलाए जा रहे पासपोर्ट सेवा केंद्रों ने पासपोर्ट मिलने के एवरेज टाइम 60 दिनों से घटाकर 6 दिन कर दिया है, जो कि भारत और विदेशों
में 150 मिलियन से अधिक लोगों को मदद करती है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में भी टाटा का ही स्टील लगा है। भारत में टाटा का इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क दुनिया का अपनी तरह का सबसे बड़ा नेटवर्क होगा, जो 400 मिलियन से अधिक लोगों के लिए एंड टू एंड कनेक्टेड इकोसिस्टम तैयार करेगा। जब तक आप इस लाइन को पूरा सुनेंगे, तब तक डेटा टाटा के नेटवर्क पर दुनिया भर में 16 बार घूम चुका होगा। भारत में एक तिहाई राइड शेयर फ्लीट टाटा कारों का यूज करते हैं। स्कूल जाने के लिए भी टाटा की बसें अधिकतर स्कूल में लगाई जाती है। ये देश में हर 3 स्कूल बसों में से एक का निर्माण करते हैं। टाटा आपकी प्यास भी बुझाता है। भारत में जो पानी पिया जाता है उसका 20% टाटा द्वारा डिजाइन की गई सर्विस से होकर आप तक पहुंचता है। इतना ही नहीं, आपके वाइन ग्लास में भी ढेर सारा टाटा है। भारत का 80% अंगूर टाटा द्वारा ही उगाया जाता है। टाटा ने साल 2021 में 103 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि 8 बिलियन से भी ज्यादा की कमाई की थी। ये इतना ज्यादा पैसा है कि आपके 3 कमरे इससे भर जाएंगे। और इसी पैसे की बदौलत टाटा अपने भारत को आगे बढ़ाने में मदद करता है। पानी से लेकर आपकी मेज तक, खाने तक टाटा आपके साथ होता है। इंडिया की 80% एग्रीकल्चर लैंड को यूजफुल बनाते हैं। टाटा स्टील हर तीसरे कृषि उपकरण और बोरवेल में मौजूद है। अब हल्का सा दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि ये तो सिर्फ कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया। टाटा इसी तरह से 100 से भी अधिक कंपनियों और अलग अलग फील्ड में अपनी पहचान बनाई हुई है। जब ये कंपनियां ही भारत को आगे ले जाने में इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, तो ये सारी कंपनियां एक साथ मिलकर क्या जादू करती होंगी? सोचिए और हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।